दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय सिंह बिष्ट है और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल AWPL एजुकेशनल ब्लॉग में। तो दोस्तों, जैसे आपको भी पता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड नई नई वीडियोस अपनी लेकर आता हूं और कोशिश करता हूं कि बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आप लोगों तक पहुँचाई जाए। तो दोस्तों, ऐसी ही कुछ खास जानकारी आज जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर मैं आप लोगों के समक्ष बीच लेके आया हूँ। तो वो टॉपिक है सर, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आज की दिन प्रतिदिन चर्या में आप देखते होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है हमारा डेली, यहाँ तक कि 2016 से लेकर और अब तक का जो प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंड हो रहा है नेटवर्क मार्केटिंग। आज हर कोई, चाहे वो आपका स्टूडेंट है, चाहे वो आपका हाउसवाइफ है, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी प्रोफेशन से आपका कोई भी है, तो आज हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग को सीखना चाहता है दोस्तों और नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में घुसना चाहता है। तो दोस्तों, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग को समझना पड़ेगा। और आज हमारे समाज में काफ़ी लोग हैं जो इस प्लेटफॉर्म के बारे में उनको जानकारी नहीं रहती है, जिसके कारण वो इस सिस्टम में फेल हो जाते हैं। दोस्तों, यह प्लेटफॉर्म इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो आम इंसान की ज़िंदगी को बदल सकता है। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं मेरे टॉपिक के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। दोस्तों, एक सवाल आप अपने खुद से पूछना कि अगर मैं इस सिस्टम मैं काम नहीं करूं या मुझे ये काम नहीं करना चाहिए या मेरे बस का काम नहीं है, काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं। तो दोस्तों, मैं उन सभी से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए तो आप खुद अपने दिल दिमाग में सोच कर देखना सर कि इसके अलावा हमारे पास क्या है जहां से हम अपनी ज़िंदगी बदल सकें। देखिए सर, आप लोगों को भी पता है दोस्तों कि हम जिस समाज में अपनी पढ़ाई लिखाई की है, जिस समाज में हम बड़े हुए हैं, उस समाज का माहौल इस प्रकार से नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँ या अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा काम कर सकें। तो दोस्तों, एक मौका यानी एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो नेटवर्क मार्केटिंग लेके आई है, जहाँ हम अपने कैरियर यानी कम लागत मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ हम अपनी ज़िंदगी को यहाँ से बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये मौका अगर आपकी ज़िंदगी में आए कि आप अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए क्या एक मौका दे सकते हैं, तो दोस्तों मेरी तरफ़ से आपको ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। हर जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है उसको मिस ना करें, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है कि भगवान किसी ना किसी रूप में हमको मौके देते रहता है। तो हमें उस मौके का इंतज़ार करना चाहिए, उस मौके को हमने एक्सेप्ट करना चाहिए जो भी अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में आती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको, नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में जो एक सोची समझी जो सिद्धांत है, जहाँ पर हम एक दूसरे को क्रिएट करते हैं, यानी अपना जो भी हमारे न्यू पर्सन आते हैं हम उनसे बातचीत करते हैं, हम उनको अपना प्लान फॉलोअप शो करते हैं, अपने प्रेजेंटेशन को शो करते हैं। उसके बाद वो अपने फ्यूचर जहां उसको बेनिफिट लगता है, वो अपने बेनिफिट को देखते हुए, हाँ अगर मैं इस काम को करूं तो आने वाले टाइम में मुझे भी बेनिफिट हो सकता है, तो यहां से वो हमारे संग इस इंडस्ट्री में आने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, मैं अभी बात करूं 2030 यानी 2030 ओनली जो हमारे इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की मैं बात करूं, तो ये एक वर्ल्ड में सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। क्योंकि दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आपको भी पता है जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग को करने से बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट मिलता है, आपको स्किल्स डेवलपमेंट सीखने का मौका मिलता है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट का मौका मिलता है, आपको यहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग
डेवलपमेंट का मौका मिलता है, आपको यहाँ से लीडरशिप क्वालिटी सीखने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग को करने से बहुत ही बेनिफिट हैं। देखो, नुकसान आपका कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर एक इंटरेस्ट है कुछ नई चीज़ सीखने का, तो यहाँ पर आपके लिए नुकसान कुछ भी नहीं है दोस्तों। अब बाकी मैं बात करूँ पॉपुलेशन, आप सभी को पता है सर, 2018 में यानी 132 करोड़ की पॉपुलेशन पार हो चुकी थी। तो दोस्तों, अब मैं बात करूं 2030 यानी आने वाले 2030 में जो हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन होगी वो 150 करोड़ से ज़्यादा होगी। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता हुआ जा रहा है। इसमें आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कभी कम होने वाला है नहीं। तो दोस्तों, ऐसी भीड़ में आपको पता है गवर्नमेंट भी हर किसी को जॉब प्रोवाइड नहीं करवा सकती है। तो दोस्तों, 2030 में सिर्फ 25 करोड़ जो पीपल्स हैं उनकी ज़रूरत होगी। अब कैसे होगी सर, आपको भी पता है आज 2022 यानी 2022 में आपको भी पता है कि जहां जो भी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, चाहे वो आपका प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, चाहे भी कोई सभी सेक्टर है, तो वहां बहुत सारे मजदूर काम करते थे, मैन्युफैक्चरर काम करते थे। तो आज मैं बात करूं सर टेक्नोलॉजी और उसके रहते हुए, आज आपको भी पता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हमारे जो भी इन्वेंशन हुए हैं, आविष्कार हुए हैं, उसके जरिए रहते रहते आज इंसान को कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी इतनी बदल चुकी है कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं बात करूं जिस कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 1000 मजदूर जो हैं काम करते थे और तब एक कार को मैन्युफैक्चर करते थे, वही मैं बात करूं आज एक रोबोट 1000 कारों का निर्माण करता है। तो आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे यानी लोगों की आवश्यकता ही नहीं रही है किसी भी इंडस्ट्री में। अब मैं बात करूं जहां हमारे फार्मर यानी किसान लोग जो पहले इतने मजदूर काम करते थे खेतों में, आज आपको पता है कि एक जेसीबी 1000 मजदूरों के बराबर काम करती है, यानी एक जेसीबी को चलाता है एक मजदूर और उस एक जेसीबी ने 1000 मजदूरों की जो है रोज़गार को छीन लिया है। तो दोस्तों, आने वाले टाइम में ऐसे ही रोज़गार धीरे धीरे कम होते रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि जैसा बड़े हैं वो ही युद्ध जीता जाए। आज हम इंसान देखिए सर, 1 से लेकर 12 तक यानी स्टडी करते हैं, उसके बाद हम 90% लोग कॉलेज ज्वाइन करते हैं और 2 से 3 साल हम कॉलेज या 5 साल हम कॉलेज ज्वाइन कर, या आप मान सकते हैं कि हर कोई व्यक्ति आज पढ़ लिख के नौकरी नहीं कर रहा है। वो क्यों नहीं करता सर, देखिए, क्योंकि एक एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ आपके एजुकेशन को बढ़ाता है, यानी स्टडी, आप पढ़ाई करते हैं उससे आपका एजुकेशन बढ़ता है, नॉलेज बढ़ती है। लेकिन दोस्तों, पढ़ाई कभी भी आपके व्यवसाय यानी आपके व्यवसाय में काम नहीं आता है। जहाँ हम जॉब करते हैं तो जॉब में भी हम टोटली सिक्योर नहीं हैं। एक ना एक दिन जब तक हम काम करते हैं, जब तक हम उस जॉब को वर्क यानी टाइम और वर्क दे रहे हैं, तभी तक हमें पैसा आता है। बाकी मैं बात करूं सर ऑटोमेशन यानी टेक्नोलॉजी। ऑटोमेशन आज हर फील्ड में होता है, यानी अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी पहले मजदूर खेतों में काम करते थे, अब मजदूरों के पास ट्रैक्टर वगैरह हैं, जेसीबी हैं या कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी के वर्जन के जो भी उनके पास फार्मिंग से रिलेटेड जो भी और इंस्ट्रूमेंट हैं वो आ चुके हैं। नेक्स्ट है सर इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपको पता है मशीनें और एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जिसके कारण काफ़ी लोग बेरोज़गार हो गए हैं। आप मैं बात करूं सर फैक्ट्री की, इस एक फैक्ट्री में जहां 1000 लोग मजदूर काम करते थे, वहां अकेला रोबोट मशीन काम कर रही है। तो सर, आप सोचिए कि हमारे पास इंसानों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि वो कहीं भी जाकर जॉब कर सकें।
अब जॉब सर उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो अपने स्किल्स में माहिर हैं, जो अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं, या जिनके अंदर कंपटीशन की भावना होती है, जो कंपटीशन में सबसे आगे आते हैं, उन्हीं को आज की डेट में जो है सिलेक्शन किया जाता है। अब मैं बात करूँ टेक्नोलॉजी की, आज हर डिपार्टमेंट में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जिसके चलते टाइम और इन्वेस्टमेंट का काफ़ी हद तक जो है बचाया जा सकता है। अब देखिए सर, एक इंसान अगर किसी भी काम को करता है तो उसको करने में टाइम भी इन्वेस्टमेंट होता है और आपका समय भी खर्च होता है, और साथ ही साथ आपका जो इन्वेस्टमेंट है यानी उस चीज़ को बनाने में काफ़ी लागत लग सकती है, लेकिन वही चीज़ अगर एक मशीन तैयार करती है तो वहाँ आपका समय भी बचता है और वहाँ से आपका प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ता है और वहीं से आपका जो है इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी हद तक जो है बच सकता है। तो सर, जो भी मैंने आपको यहाँ पे रीज़न बताए थे, आप खुद सोचिए क्या इन रीज़न के चलते आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहेंगे या नहीं। आप सभी को बता देना चाहता हूँ सर कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है, कोई भी आपका डिग्री डिप्लोमा होल्डर की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप 18+ होने चाहिए, चाहे आपने पढ़ाई करी है या नहीं करी है। लेकिन आजकल के समय में 10th पास तो हर कोई करता है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई बंदा अपने कैरियर को लगा सकता है, एज अ फ्यूचर इसको लेकर चल सकता है, और वो यहाँ से अगर मेहनत करता है तो अपनी ज़िंदगी में 100% कामयाब होता है। तो दोस्तों, मैं एक अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ कि जितने साल आप अपने पढ़ाई में लगाते हैं, मैं ये नहीं बोलता पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, आप करिए, पढ़ाई करिए, पढ़ाई करने से आपका नॉलेज बढ़ेगा, पढ़ाई आप खुद के लिए कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग सर आप अपने आने वाले समाज, आने वाले अपने पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं, जहाँ से आपकी जो जनरेशन है वो आए, उन्हें किसी भी प्रकार की, चाहे वो आपके वेल्थ साइड से है, चाहे वो हेल्थ साइड से है, किसी भी साइड से उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी।